अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। व्हाई इट इज गुड मॉर्निंग, इट्स गुड इवनिंग। एंड वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप लोग बताइए, आप सब कैसे हैं और क्या चल रहा है? सो आज हम लोग बनाएंगे स्लाइस केक, टी टाइम केक से बनाएंगे। ओके फरा, हम लोग बनाएंगे स्लाइस केक और ये एकदम प्रूवन एंड टेस्टेड रेसिपी है। ये मेरी अभी टी टाइम केक क्लास जो चल रही है तो उसकी ही एक रेसिपी है। मेरे 14-14 केक जो है वो रेडी हो गए और ये 15th केक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, टूटी फ्रूटी टी टाइम केक। ओके सो इसके लिए देखिए, ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टेड एंड प्रूवन है। आप ये बनाओगे कभी एक लाइक कुछ भी गलती नहीं होगी, एकदम प्रूवन रेसिपी है। ओके सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट एक मिनट, मैं सीवर लेकर आ जाती हूँ, छन्नी, जो कि बहुत ज़रूरी है। एगलेस केक की है, एगलेस हम लोग स्लाइस केक बनाएंगे टूटी फ्रूटी में। और जब भी आप एगलेस बनाते हो तो कंपलसरी आपको अपना जो बैटर है, जो भी आप बना रहे हो और जो भी आपका ड्राई इंग्रेडिएंट है, उसको कंपलसरी आपको छानना होता है। अगर आपने इसको नहीं छाना अच्छे से तो उसमें एरिएशन नहीं आएगा और आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से राइज नहीं करेगी। जो उसका आपको टेक्सचर चाहिए, जब फ्लफीनेस चाहिए, वो नहीं आएगी। तो कंपलसरी आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छी तरह से सीव करोगे। सीव करने का मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से सीव करना है। और अगर आप 3 बार करते हो, आप अगर 3 टाइम्स उसको सीव करते हो तो बेस्ट रिजल्ट होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 2 बार तो कीजिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग लेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट। उसके लिए ये एक ले लिया मैंने अपना बाउल और यहाँ पे ले लिया सीवर, ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप ये रेसिपी लिखते जाइए। ओके सो हाय सिंपी जी, हाय तनवीरा। ओके सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, जितने ड्राई इंग्रेडिएंट है उसको हम लोग एक जगह पे सीव कर लेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट में सबसे जाएगा पहले हमारा मैदा। तो मैदा यहाँ पे लिया है मैंने 65 ग्राम, ठीक है। सो ये जाएगा 65 ग्राम मैदा। आप लोग इसको लिख लीजिए या जैसे भी आपको ठीक लगता है। 65 ग्राम हमने यहाँ पर मैदा लिया है। मैदे के बाद हम लोग लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जाएगा आपका 1/8 टीस्पून। बेकिंग सोडा आप डालोगे ये रेसिपी में 1/8 टीस्पून। सो 1/8 टीस्पून आप ऐसे लोगे, यहाँ से इसको अच्छी तरह से ऐसे गिराओगे और फिर ही डालोगे। आपने अगर इसको बहुत ज़्यादा ले लिया तो भी आपकी रेसिपी बिगड़ जाएगी, और बहुत कम लिया तब भी रेसिपी बिगड़ जाएगी। तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह लेना है। ओके इसके बाद आप लोगे 1 टीस्पून आपका बेकिंग पाउडर, सॉरी 1/2 टीस्पून। तो यहाँ पे हम लोग 1/2 टीस्पून लेंगे हमारा बेकिंग पाउडर। तो ये आपका 1/2 टीस्पून है बेकिंग पाउडर। आप जब भी ऐसे लोगे और इसको इस तरह से गिरा दोगे ताकि ये बिल्कुल भी ज्यादा ना हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा पुराना है तो प्लीज़ उसे मत यूज़ कीजिए। आप कितने भी अच्छे से बनाओगे आपकी रेसिपी राइज नहीं करेगी, क्योंकि वो या तो खुल, बार बार आप इसको ओपन करते हो तो इसका पावर जो है वो उड़ जाता है। तो आप कोई भी लेते हो, देखिए ब्रांडेड लीजिए, लूज मत लीजिए। लूज लेने से क्या होता है, आपको पता नहीं चलता है कि वो कब का उसकी पैकिंग डेट है और वो कितना पुराना है, और उसका रिजल्ट आपको फिर बराबर नहीं आ पाता है। तो हमेशा आप क्या करोगे, किसी भी ब्रांड का लोगे ताकि उसके ऊपर आपको पैकिंग डेट है या उसकी एक्सपायरी है वो आपको पता चले, ठीक है। सो हमने ले लिया है यहाँ पे मैदा, मैदा लिया है हमने 65 ग्राम, 1/8 टीस्पून हमने लिया है सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हमने लिया है 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें लेंगे कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर लेंगे हम इसमें 12 ग्राम। इसकी वजह से आपके केक में एक बहुत ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर आएगा, जो बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर होगा, ठीक है। सो हमने लिया है यहाँ पे 12 ग्राम कॉर्नफ्लावर। इसके बाद आप लोगे 10 ग्राम इसमें मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर यानी मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर आप कोई भी ले सकते हो, अमूल, अमूल्या, ब्रिटानिया, आपको जो भी मिल जाए, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे कर्ड, कर्ड आपको लेनी है 40 सॉरी, इसके बाद हम लोग कर्ड नहीं लेंगे। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट हो गए। ड्राई इंग्रेडिएंट में आप एक लोगे इसके अंदर आप अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब 1/8 टीस्पून, या आप एक पिंच सॉल्ट बोल सकते हो, ये आप ले लोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैंने आपको दिया है कि चेरी आपको लेनी है, और प्लस आपको लेनी है, आप ले सकते हो टूटी फ्रूटी केक है, आप टूटी फ्रूटी ले सकते हो, लेकिन समटाइम्स किसी को टूटी फ्रूटी नहीं पसंद है। तो देखिए इस तरह से ड्राई चेरीज मिलती है, आप ड्राई चेरीज ले सकते हो,
आप टूटी फ्रूटी ले सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा ड्राई चेरीज ले रही हूँ और थोड़ा हम लेंगे टूटी फ्रूटी। टोटली ऑप्शनल आपके ऊपर होता है, आप कितना लेना चाहते हो, लेकिन कम से कम यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून आप ले लीजिए। और जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट लेते हो उसी में आप टूटी फ्रूटी या आपके नट्स जो भी है वो यहाँ पर ऐड कीजिए, ताकि उसके ऊपर थोड़ी सी डस्टिंग हो जाए। अगर डस्टिंग आप नहीं करोगे तो जब आप बेक करोगे तो ये सारा नीचे जाके बैठ जाएगा, यानी सिंक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सीव कर लेंगे। तो देखिए ये सीव करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से डस्टिंग हो गई है, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे दूसरे बोल में और वापस से इसे अगेन सीव करेंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप देते जाइए, जब मैं इसको थोड़ा सा बेक करने रख दूंगी या फिर इसको साइड में रखूंगी मैं अभी वेट इंग्रेडिएंट को, तब हम लोग अच्छी तरह उस क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ओके, सो ये हो गया सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम। आप एक बार भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर 3 बार करते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। ओके, सो ये हम लोगों ने सीव कर लिया। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी जो भी आपने डाला है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे और इसे रख देंगे हम लोग साइड में। और अब हम लेंगे यहाँ पर हमारे वेट इंग्रेडिएंट। ओके, एक बात बेकिंग में हमेशा याद रखिए, आपके मेजरमेंट कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आपको 1/4 बोला है तो आप 1/4 टीस्पून ही डालोगे, आपको 1/8 बोला है तो आप 1/8 ही डालोगे, उसको कम ज्यादा नहीं करोगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें लेना है अपना बटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे, हम लोग लेंगे बटर। बटर हमने यहाँ पर लिया है, बटर है हमारे पास 60 grams, तो आप यहाँ पे लोगे 60 grams बटर। ठीक है, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग बनेगी, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो किया तो। ठीक है, बटर के बाद आप लोगे इसमें शुगर, शुगर आप लोगे 70 grams। 60 ग्राम आपने बटर लिया है और 70 ग्राम लोगे आप शुगर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। आप तब तक बीट करोगे जब तक कि आपका जो बटर है वो एकदम से वाइट ना हो जाए। सो इसे हम बीट करेंगे, पहले थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, अदरवाइज सारा ये उड़ेगा। और इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। ओके, जब भी आप बटर को बीट करते हो शुगर के साथ, कम से कम उसको 2 से 3 मिनट दीजिए। जब हम लोग YouTube पे देखते हैं या मैं खुद YouTube पे अपलोड करती हूँ तो क्या करती हूँ, उसको फास्ट कर देती हूँ जब मैंने बीट किया वो टाइम को, या फिर मैं उसको थोड़ा कट कर देती हूँ कि इतना लंबा कौन सुनेगा। लेकिन हम लोग ये लाइव में तो मैं नहीं कर सकती हूँ कि इसको मैंने कट कर दिया या इसको कम बीट किया। अगर मैं इसको कम बीट करती हूँ तो मेरा केक उतना फ्लफी नहीं बनेगा। तो मुझे अगर इसको फ्लफी और बहुत अच्छा स्पॉन्जी बनाना है तो मुझे कंपलसरी इसे अच्छे से बीट करना होगा, और आपको ये घर घर की आवाज़ थोड़ी सी बर्दाश्त करनी होगी। ठीक है, सो हमने इसको अच्छे से बीट किया है जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। ओके, अच्छे से बटर वाइट होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा कर्ड। तो हमने कर्ड यहाँ पे लिया हुआ है, कर्ड है हमारा 50 ग्राम। ओके, सो हम इसमें अब डालेंगे यहाँ पर कर्ड। आपको जितना भी मैंने क्वांटिटी बताई है, लास्ट में मैं एक बार इसको रिपीट करूंगी, तो आप लोग अपनी पेन या पेपर जो भी है वो लेकर बैठिए, ताकि लास्ट में आप उसको अच्छी तरह से वापस से लिख लो। ओके, थोड़ा सा इसे बीट कर लेंगे। राइट, इसको हम लोगों ने बीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें ऐड करेंगे, आप ऐड कर सकते हो लाइक एसेंस जो होता है, आप पाइनएप्पल एसेंस यूज करोगे जब आप बनाते हो और टूटी फ्रूटी केक। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पाइनएप्पल एसेंस, और ये मेरा न्यू वाला बॉटल है तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। राइट, सो ये हो गया पाइनएप्पल एसेंस, या आप इसको जब ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करते हो तब भी डाल सकते हो। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये अच्छी तरह से बीट कर लेंगे एक बार वापस। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर। ठीक है,
टू टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे हम लोग। हाँ ओके। ओके अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो मिक्स करेंगे, फोल्ड कर देंगे। ठीक है, सो ये लिया हमने थोड़ा ड्राई इंग्रेडिएंट और इसे इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये बाकी का भी हम इसमें ऐड करेंगे और मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूंगी, येलो कलर। आपको अगर कलर चाहिए तो येलो या ऑरेंज, आपको अगर कुछ नहीं चाहिए तो आप विदाउट कलर भी इसको कर सकते हो। ठीक है, सो ये वापस से मैं बाकी का मिक्स कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि बैटर बहुत ज़्यादा ही ड्राई है तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हो कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। समटाइम्स होता है कि कोई जो मैदा होता है बहुत ज़्यादा पानी पीता है, कोई मैदा बिल्कुल नहीं पीता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। लेकिन पानी आप एकदम से नहीं डालोगे, जस्ट 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून ऐसे करके डालोगे। ओके, तो देखिए ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है और ब्यूटीफुल सा टेक्सचर इस पे आ गया है। अब हम इसे टिन में ट्रांसफर करेंगे और सबसे पहले ओवन हमने प्रीहीट करने रख दिया है, जो कि 180 डिग्री पे मैंने हीट किया करने रख दिया था जब हम स्टार्ट कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट इसको 10 मिनट्स 15 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए ये बेकन सॉफ्ट टिन होता है, बहुत ईजी टू यूज होता है, आपको इसमें कोई ग्रीसिंग नहीं करनी है, आपको कोई पेपर वॉचमेंट पेपर नहीं लगाना है, डायरेक्टली आप इसमें बेक कर सकते हो अपने केक को। आजकल ये बहुत ज़्यादा चलता है और आपको आरिफ में या ऐसे बेक शॉप में आराम से ये मिल जाता है, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में आ रहे हैं आजकल। सो ये आप क्या करोगे इस तरह से, सारा बैटर आप इसमें ट्रांसफ़र कर दोगे। अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप फटाफट से डाल सकते हो और ये केक 25-30 मिनट्स में बेक होगा। जब भी ये बेक होगा तो आपको चेक करना है कि आपने टूथपिक टेस्ट जो होता है वो करना है, टूथपिक इसमें डालना है और उसके बाद टेस्ट करना है कि ये हो गया है या नहीं, उसके बाद ही आप इसको निकालोगे थोड़ा सा कलर देख के। परफेक्टली आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि ये 10 मिनट में हो जाएगा या 20 मिनट में होगा या आधे घंटे में होगा, क्योंकि हर एक के ओवन का टेम्परेचर अलग होता है और हर एक के टेम्परेचर का फंक्शन जो होता है अलग होता है, उस वजह से हम लोग परफेक्टली इसको बोल नहीं सकते। आपको टूथपिक टेस्ट करना है, इसको कलर देखना है और फिर इसको निकाल लेना है। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे व्हाटएवर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी केक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। आपको 180 पे करना है इसे बेक और आपका जो नीचे का कॉइल है सिर्फ वही ऑन रहेगा। अगर आप इसको गैस पे करते हो तब भी ये बहुत अच्छी तरह से बनता है, गैस पे भी आप बना सकते हो इसे बिल्कुल। सो ये मैंने कुछ चेरीज डाल दिए हैं। ओके, अब इसे मैं डाल दूंगी ओवन में 180 डिग्री पे मिनिमम 20-25 मिनट्स के लिए और मैं इसको ओवन में रख कर आती हूँ और फिर आपके क्वेश्चंस चेक करती हूँ। ओके, हाय हेलो फरा सिद्दीकी, वालेकुम अस्सलाम फरा, या एक हम लोग बना रहे हैं, सब ठीक है, आप लोग सब कैसे हो? एंड ये रेसिपी है टूटी फ्रूटी स्लाइस केक की, सो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है ये। मैंने देखिए जब कभी भी आपका जो फ्रॉस्टिंग वाला केक होता है ना, वो आपका 1/2 kg 1 kg चलता है, जब आप ये बनाते हो टी टाइम केक बनाते हो तो 1/2 kg 1 kg पे नहीं चलता है, वो पीस पर चलता है। जैसे कि आपका जो कप केक होता है वो भी वेट पर नहीं चलता है, पीस पर चलता है। सो ये पीस पर चलता है,
फिर भी जो मैंने अभी रेसिपी बनाई है वो आपको 6 इंच के टिन में आ जाएगी। ठीक है भाविका भट्ट जी, सेलिंग प्राइस टोटली आपके एरिया पे होता है, आपके एरिया में आप थोड़ा सा देखिए कि आपके एरिया में कौन सी चीज़ क्या प्राइस में बिकती है, केक कौन सी प्राइस में बिकते हैं, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का जो भी है वो प्राइस रख सकते हो। बट बेसिकली आप अपनी चीज़ें कितनी यूज़ की, आपने अगर 50 रुपीज़ का सामान रखा है तो उसके ऊपर आप अगर रखना चाहते हो 50% उस पर अपना मार्जिन रखना चाहते हो तो आप 75 रुपीज़ में उसको सेल कर सकते हो। सो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका खर्च कितना है और आपके एरिया में क्या चलता है। आपको अगर मान लीजिए 100% मार्जिन चाहिए, मतलब 50 रुपीज़ में बनाए और आप 100 रुपये में उसको बेचना चाहो जबकि आपके बाजू की दुकान में कोई 80 रुपीज़ में बेच रहा है, तो आप नहीं बेच पाओगे। आपको अपना मार्केट का सर्वे करना होगा और उसी हिसाब से आप अपने जो भी केक से या प्रोडक्ट से वो बेच सकते हो। ये जो मैंने अभी रेसिपी बताई है वो आप 6 इंच के टिन में आप बना सकते हो, इजीली बहुत अच्छे से बन जाएगी जी। ये केक टिन आप कढ़ाई में भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप छाछ ले सकते हो, बट कर्ड लोगे तो बेटर रिजल्ट रहेगा। जानवी जी, आप कर्ड की रेसिपी सॉरी बटर की रेसिपी में ऑयल ले सकते हो लेकिन टेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप ऑयल लेते हो आपका केक बहुत अच्छा मॉइस बनेगा लेकिन उतना टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप टेस्टी ज़्यादा टेस्टी चाहते हो तो आपको ये लेना चाहिए, बटर लेना चाहिए। तनवीरा जी, अगेन ये केक का जो है हमारा वो पीस पर चलता है जब टी टाइम केक बनाते हैं, और अभी हमारी टी टाइम केक क्लास आ रही है, विद इन 2 डेज ये आ जाएगी। इसमें हम लोगों ने 15 टाइप ऑफ केक आपको बताए हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, प्रूवन, और एकदम हर एक केक बहुत ही टेस्टी है जी। जरीना जी, अभी टी टाइम मेरी एगलेस क्लास आ रही है और इसके इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक टी टाइम केक क्लास आ जाएगी आपको, जो कि विथ एग रहेगी, और इंशाल्लाह मतलब होप्स हो कि आपको जो प्राइस भी रहेगा मेरी क्लास का, एवरीवन नोस कि मेरी क्लास लाइफ टाइम एक्सेस रहती है, आप वीडियोस देख सकते हो लाइफ टाइम, और आपके जो क्लास के प्राइस भी है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। मैंने बहुत ही कम प्राइस में रखा है ताकि हर कोई ये क्लास ले पाए, और जब भी उसको ज़रूरत है हम लोग फुल सपोर्ट देते हैं। सो ओके, मैंने बहुत सारा मैसेज छोड़ दिया है शायद, एक टी टाइम लेंगे जरीना जी। ओके, उसके बाद वंदना जैन, मैम प्लीज शो एगलेस चोकोलावा केक। ओके वंदना जी, होप्स हो के लेकर आएंगे हम चोकोलावा भी। ओके सॉल्टेड बटर ले सकते हैं, ऑफकोर्स प्रियंका जी आप सॉल्टेड बटर ले सकते हो। अगर आपने अनसॉल्टेड लिया या आपने ऑयल यूज किया तो आपको पिंच ऑफ सॉल्ट डालना होगा, क्योंकि जब आप मीठे में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हो, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है, मतलब वो मीठा और ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालने से अच्छा लगता है। जबकि कन्फेक्शनरी, मतलब हम लोग जब बेकिंग करते हैं तो हम लोगों को बताया जाता है, हम लोग यही बताते हैं कि आप विदाउट सॉल्ट, जो सॉल्टलेस रहता है, अनसॉल्टेड बटर यूज करो, बट उसके बाद पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करने से आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ओके जानवी जी, जो अभी मेरी केक क्लास आ रही है टी टाइम केक क्लास, इसकी फीस आपको रहेगी 650। कब तक रहेगी ये? 31 दिसंबर तक 650 रहेगी, उसके बाद ये ओरिजिनल फीस पे आ जाएगा, यानी ओरिजिनल फीस है इसकी 1000 रुपीज, तो वो हो जाएगी। तो बिफोर दैट आप ले लीजिए। 15 केक कौन से हैं? तो ये सारे अमेजिंग केक है, यानी कि इसमें आपको रेड वेलवेट टी टाइम केक बताया है, और मतलब मैं पूरी लिस्ट है मेरी, 15 टाइप ऑफ केक है, और उसमें अगर मैं बताऊं तो बहुत ही अमेजिंग केक है, जैसे पिस्ताचू केक है जो कि बहुत ही अमेजिंग है और बहुत फ्लेवरफुल है। उसके बाद हम लोगों ने चॉकलेट मड केक कवर किया है, मैडलिन्स जो बोलते हैं बहुत ही टेस्टी होती है, एगलेस पाउंड केक हम लोगों ने कवर किया है, पारसी मावा केक, इतना अमेजिंग टेस्ट है उसका कि आप जो पारसी डेयरी से लाते हो ना वो लाना छोड़ दोगे, सिर्फ अपने घर का पसंद करोगे। अगेन यहाँ पे हम लोगों ने टूटी फ्रूटी केक किया है, कोकोनट क्रीम केक किया है, एंड रेड वेलवेट, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है, रेड वेलवेट किया है, चोको चेरी केक किया है, नटेला केक किया है, और आयंगार बेकरी का रवा मावा केक, जैम केक, ऐसे हमारी 15 रेसिपी हमने बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी ली है। ये सारा जो अभी आएगी मेरी क्लास, कल लॉन्च हो जाएगी, वो क्लास टी टाइम एगलेस है,
उसके बाद जो आएगी वो हेल्दी केक होगी और उसके बाद हम लोग फिर एग वाली करेंगे। या जानवी जी, ये जो क्लास है ये एगलेस रहेगी, इसकी फीस 650 रहेगी। इंग्रेडिएंट मैं रिपीट करती हूँ, आप लोग सब लोग थोड़ा मैसेज कीजिए कि आप लोगों ने पेन और पेंसिल ले लिया है, तो मैं इंग्रेडिएंट आपको रिपीट कर देती हूँ, आप इसको अच्छी तरह लिख लीजिए और कंपलसरी आपका ये केक बहुत ही अमेजिंग बनेगा। यहाँ पर केक बेक होना शुरू हो गया है, सो यहाँ तक कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे ओवन से। चलिए आप लोग रेसिपी लिखना शुरू कीजिए, मैं आप लोगों को एक बार रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। जानवी जी, आपको पे करना है गूगल पे, फोन पे, जैसे भी आप, या बैंक ट्रांसफर जो भी करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। सो चलिए मैं अभी रेसिपी रिपीट करती हूँ, प्लीज आप लोग लिख लीजिए। इसमें जाएगा बटर, बटर आप यूज करोगे 60 grams। उसके बाद आप लोगे शुगर, शुगर आप पाउडर शुगर लोगे। इनकेस अगर आपने बाय मिस्टेक ग्रैनुलेटेड शुगर ली, यानी कि जो बगैर पीसी हुई शक्कर ले ली, तो आपको तब तक बीट करना पड़ेगा जब तक कि आपकी जो शक्कर है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे 70 ग्राम शुगर, यानी 70 ग्राम हम लोग लेंगे शुगर। मैदा लेंगे हम लोग 65 ग्राम। बेकिंग सोडा 1/8 teaspoon। बेकिंग पाउडर 1/2 teaspoon। कॉर्नफ्लावर 12 ग्राम। मिल्क पाउडर 10 ग्राम। कर्ड 45 grams। वाटर 25 grams या ml। सॉल्ट पिंच। पाइनएप्पल एसेंस 1/2 teaspoon। चेरी 1 tablespoon। टूटी फ्रूटी 2-3 tablespoon। ओके, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सो अब ये केक चला गया है अवन में, इसको लगेगा 20-25 minutes। तो देखते हैं 20-25 minutes बाद हम लोग इस केक को, मैं इसको जब अवन से निकालूंगी तो कोशिश करूंगी कि वापस मैं आ जाऊं ऑन लाइव और आपको बता पाऊं। अदरवाइज ऐसा होगा कि फिर मैं आपको इसी तरह पोस्ट डाल दूंगी कि वो केक का रिजल्ट कैसा है, सो आप वैसे देख पाओगे। ओके, सो थैंक यू सिंपी जी। ओके, सो दिस इज आसमा फ्रॉम आसमाज बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। और आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेनी है तो प्लीज हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, हमारा नंबर है 9967273731। सारी क्लास हम लोग बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, आप कभी ना भूल पाओ इस तरह हम लोग आपको चीजें बताते हैं, और हमेशा हमारा सपोर्ट आपके साथ है। सो हम लोग मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ, और ये क्लास केक जब रेडी हो जाएगा मैं आपको ये पोस्ट डाल दूंगी, या फिर मैं 2 मिनट के लिए लाइव आ जाऊंगी तो आप लोग ये केक देख पाओगे। ओके, सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग फिर सेशन खत्म करते हैं। ओके, एंड प्लीज 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 मेरा चैनल है यूट्यूब पर आसमाज बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस, सो प्लीज उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो हमारा पेज है इसको भी आप फॉलो कीजिए ताकि आप लोगों को रेसिपीज और हम मिलते रहे। जी भाविका जी, ये आपके ये जो है ये रहेगा। जी प्रियंका जी, आप कन्वेक्शन मोड पे बना सकते हो इसको ऑफ कोर्स, और आपको जो है कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे ही इसे बनाना है, और आप इसे 10 मिनट्स के लिए पहले अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट्स के लिए आप इसको प्री हीट कर लीजिए, और उसके बाद आप इसे इजीली बेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह बनेगा। ओके, चले, ओके, टेक केयर, और फिर मिलेंगे। ये हमने बनाया है बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी टूटी फ्रूटी केक।